ये 2000 साल पुराना कुआ है और अभी तक इसमें फ्रेश वाटर है। गासन भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये बोल रहे थे कि इतने चर्च मस्जिद बना रखे हैं, हमें स्कूल्स की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जय श्री राम। जय श्री राम। गुड बाय। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? रिलीजन। कैन आई सी द शॉप? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, अगली सुबह हो गई है, मैं अपने होटल की छत पे हूँ, अमन पाशा होटल नाम है इसका। और जो ये ओल्ड टाउन है अम्मान का, जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग और सबसे पुराना जो एरिया अम्मान का, उधर ये एक्चुअली सिचुएटेड है। लगभग 40 साल पुराना होटल है, बहुत ही पुराना है। कमरे वगैरह दीवारें आप देखोगे आपको फील होगा काफी पुराना है। होटल भी ऐसे में लगता है कि कोई एंशियंट बिल्डिंग सी है। ट्रैवलर्स के लिए ये होटल जबरदस्त है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्यों। एनीवेज, छत पे बैठा हूँ मैं, छत से काफी अच्छा नजारा है। अभी उठा ही था, जस्ट हाथ मुंह धोया और नहाया नहीं मैं आज, क्योंकि रात को नहाया था और आज डेड सी पे जाना है, उधर नहाना ही है 2-3 बारी। बस हाथ मुंह धो के छत पे बैठा हूँ। और छत की एक खास बात है, यहाँ पे ना छोटे छोटे खरगोश है जिनके साथ आप खेल सकते हो, दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे खरगोश है इधर, ये भी धूप सेक रहे हैं। एक को हाथ लगाओ तो ये सारे आ जाते। ये देखो ये खरगोश का बच्चा, यह चूहा है, पता नहीं ये तो चूहा लग रहा है मेरे को। खरगोश और चूहे कितने सिमिलर होते हैं वैसे आपने देखा, लेकिन हमें चूहे बिल्कुल नहीं पसंद होते और खरगोश कितने प्यारे लगते हैं। ये इधर बैठने की सीटिंग सी है, टिपिकल अरब स्टाइल में, आप ये कारपेट के डिजाइन से समझ गए होंगे, या ये चद्दर है जो भी है। एक वाइन की बोतल और 2 ग्लास शायद रात को किसी ने पी थी यहाँ, और कुछ हुक्के पड़े हैं यहाँ पे। ये इनका पुराना रोमन एम्फीथिएटर, कई हजार साल पुराना। ये नीचे की सड़क आप हिसाब लगा सकते होंगे, ये पार्ट काफी पुराना आपको दिख रहा होगा, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, बहुत पहले से बनी हुई। और पूरा जोटर ना आपको ऐसे ही दिखेगा, येलो येलो सा लग ऐसे रहे दोपहर के 2-3 बजे, पर अभी सुबह के 9 भी नहीं बजे पूरी तरह। शाम को 4:30-5 बजे तक यहाँ अंधेरा पूरा हो जाता है। तो अभी एक बार नीचे जाके ब्रेकफास्ट करूँगा मैं, और फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। वैसे तो हमारा प्लान था गाड़ी रेंट करके निकलने का, पर गाड़ी जिससे रेंट करनी थी वो बोला सॉरी गाड़ी खत्म हो गया मेरे पास, हमने परसों करी नहीं थी, हम बोले कल बता दें, कल बोला कि आज तो मेरी सारी गाड़ी बुकड है, तो बोला आप डेड सी पहुँच जाओ किसी तरह, वहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डे गाड़ी भिजवा दूँ। यहाँ से हम जाएंगे मद्दाबा ऊबर से, और 1.5-2 घंटे का रास्ता यहाँ से, शायद 1 घंटे का हो ज़्यादा। मद्दाबा के बाद इतना ही रास्ता आगे डेड सी का यहाँ से। ये लिफ्ट काफी ओल्ड फैशन है, देख के लगता है बहुत धीरे हो रही है ना भैया, लेकिन चलती बहुत तेज है, बहुत तेज आती है। देखो इसकी शक्ल ही पुरानी है, शायद मशीनरी इन्होंने पूरी नई कर दी है। हाँ, ये गेट लॉक हो गया, काफी फास्ट है। ये होटल है इनका, यहाँ पे ये सोफे से, ये भी आप इनका डिजाइन सा देखोगे अरब थीम सा लगता है पूरा, नीचे वैसे ही कारपेट भी छा रखे हैं। और ना आपको जगह जगह इस होटल में ना कागज चिपकाए हुए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हर कागज पे लिखी है, आपको वॉकिंग टूर लेना है तो क्या, ड्राइवर लेना है तो क्या। आज हम थोड़ा लेट हो गए तो ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया, परसों में आया था सुबह सुबह आ गए थे हम, 7:30 बजे स्टार्ट होती, तो सारी चीज़ें भरी थी, फलाफल ब्रेड्स वगैरह, अंडे ताहिनी इनकी, या फिर हुम्मस वगैरह, पिकल्स, ब्रेड, चीज़, खीरे, टमाटर। तो अभी ये कम होगी चीज़ें, पर इसमें से हम तो खा ही लेंगे। एनीवेज, ये बैठने की जगह, तो अपन ने तो खाना डाल लिया भाई अपना। ये है 3 ब्रेड इनकी, ये फलाफल, ये एक्चुअली थोड़े फ्राइड होते हैं, इनका ट्रेडिशनल खाना है, टेस्टी लगते हैं। ये इनकी काके ब्रेड है, जो लेबनान में भी मैंने खाई थी, उधर गोल थी वो, इधर ऐसे है काक या फिर काके। ये हुम्मस है, ये चीज़ है, नीचे इसके बटर है, और ये खूब सारे खीरे टमाटर। यहाँ पे ना वेजिटेबल्स बहुत मिस हो जाती है, क्योंकि सारा दिन ब्रेड और चिकन, ब्रेड और चिकन चलता है, तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, फाइबर्स और विटामिन मिल नहीं पाते। तो ये लास्ट ही बड़ा था इनके पास, मैंने सारा डाल लिया, साथ में थोड़ी सी कॉफ़ी और जूस है। इन्होंने ना करेंसी से रखी है शायद, अलग अलग देशों की जो भी आता है वो रख जाता है, और उधर नोट्स भी चिपके हुए। बाय बाय। हमारे जो बैग्स थे वो फिट नहीं आ रहे थे डिग्गी में, तो एक सीट आगे कर दी और एक बैग आगे आ गया, एक बड़ा बैग पीछे आ गया। मद्दाबा हम जाने लग रहे हैं, अम्मान के साउथ वेस्ट में पड़ती है, एक छोटा सा टाउन है, 1 लाख भी पॉपुलेशन है उधर की पूरी, कुछ खास उसमें ऐसा है नहीं, पर एक कोई मनोज भैया के जानकार थे तो उनसे मिलने जा रहे हैं, वो थोड़ा हमें घुमा फिरा देंगे। जो बाइजेंटाइन एम्पायर था उसके मोज़ेक्स और स्टोन कार्विंग्स है इधर कुछ, बस बेसिकली, बाकी कुछ बहुत फैंसी नहीं है जो बड़ी सिटीज में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रास्ते का जो सफ़र है यूँ जॉर्डन के जो गाँव होते हैं टिपिकल, उनके थ्रू हम होके जा रहे हैं, बिल्कुल गाँवों के अंदर तो नहीं घुस रहे, पर हाईवे के साइड में छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल जैसे अपनी इंडिया में दिखती है, हम इंटरसिटी कहीं ट्रैवल करते हैं तो। अरे बच गए। I need safety for you. Yeah. No, I don't. You're good. Thank you. You saved us.
आपकी गलती तेरी है। दिस इज डोंकी। हां डोंकी। दैट मैन डोंकी। जो सबसे निकम्मा जो चीज होती है ना, जिसके कोई असर नहीं पड़ता किसी चीज के, उस गधा बोलते हैं अपने इंडिया में। इधर भी ले देंगे, ये भी डोंकी बोल रहा है उसे। सिर्फ सामान ढोने के काम आते, उसको कितना मार लो पिट लो उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो गधा डोंकी। सबसे जो बुरी चीज आप किसी को कह सकते हैं, इधर भी ये बोला डोंकी है। बाकी लोग बहुत अच्छे जॉर्डन के, बहुत फ्रेंडली, बहुत हॉस्पिटेबल, बहुत वेलकमिंग। जो भी मिलता है पूछते हैं कहाँ से हो, इंडिया से, वेलकम टू जॉर्डन। सबका यही कहना, बहुत वेलकमिंग लोग है। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को जॉर्डन की लगी अभी तक, इधर के लोग ही है। बाकी सब चीज कोई भी ऐसी मतलब बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगी, बहुत स्पेशल नहीं लगी कि भी हाँ इस चीज के लिए मैं इधर दोबारा आऊंगा। अभी तक सब नॉर्मल सा चल रहा है, अभी आगे देखते हैं। आई एम श्योर वादी रम और पेट्रा का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है, पर लोग जो है वो डेफिनेटली जो जॉर्डन का आपका जो सफर होगा उसमें चार चांद लगा देंगे। हेलो मतलब पहुंच गए, और एक ये भाई आए थे जस्ट, और इनके प्यारे से बैठे गाड़ी से बाहर निकले। ये अपनी गाड़ी ला रहे हैं क्योंकि डेड सी पे हमें अपनी गाड़ी पे छोड़ के आएंगे, तो बैग निकाल के हम डायरेक्टली इनकी गाड़ी में रख लेंगे। पौने घंटे का सफर था अम्मान से। व्हाट इज योर नेम? सनद। यू स्पीक इंग्लिश? यस। वाओ, यू आर इन स्कूल राइट नाउ? व्हिच क्लास? फिफ्थ। वाओ, व्हिच सब्जेक्ट्स डू यू स्टडी इन स्कूल? मैथ्स, अरबिक, इंग्लिश, PE, physical education, PE, yes. Sports, yes. Okay, science, yes. Okay, great. Which is your favorite subject? Religion. Religion. Yes. Favorite subject. Yes. Okay. This is what? Jesus. Yes. Okay. Are you Christian? Yes. Wow. तो जॉर्डन में भी डाइवर्सिटी है आपको, और रिलीजन्स भी दिखेंगे। जब हालांकि 4% है माइनॉरिटी है क्रिश्चियंस के यहाँ पे, मोस्टली मुस्लिम है। मदाबा बहुत कोई मॉडर्न शहर सा नहीं लग रहा, थोड़ा टाउन्स है। ऐसी जगह पे मजे आते हैं लेकिन ट्रैवल करने में। बड़ी बड़ी सिटीज तो हर जगह से हैं। ये सड़कें देखो कितनी खूबसूरत है। वो भाई चर्च में फादर है जिनने गाड़ी रोकी थी। जय श्री राम। जय श्री राम। गुड बाय। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जीसस जो थे उनको बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज करना जो इनमें क्रिश्चियंस में एक तरह से प्योर करना किसी सोल को या बॉडी को, तो जीसस जो थे वो बैप्टाइज यहाँ से 15-20 मिनट दूर अल मक्तास उधर उन्हें बैप्टाइज किया गया था। तो ये जगह बहुत प्योर है पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखें कि यहाँ पे क्या लाइफ है क्रिश्चियंस की, कैसे डिफरेंट है बाकी जॉर्डन के एरिया से, और इनके कुछ चर्चेज या फिर श्राइन्स में, म्यूजियम्स में, उसमें हम सफर करेंगे और देखते हैं कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, क्या उनका रहना सहना है। ये चर्च जो है ये ऑलमोस्ट 150 साल पुराना है, 1880 में कुछ ये बना था। और जो घासान है उनकी फैमिली भी इराक से आई थी 1881 के अराउंड। तो मदाबा जो एरिया, इधर क्रिश्चियंस काफी ज्यादा, और इधर कहते हैं कि अभी भी अंडरग्राउंड 17 चर्चेज है। ये जो एरिया होता था बेसिकली ये क्रिश्चियंस का एरिया था, और अब ये एक अरब कंट्री है, इंडिपेंडेंट अरब कंट्री है। तो पूरे जॉर्डन में अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ मुस्लिम्स, 95-96% मुस्लिम है, और क्रिश्चियंस जो है 3-4% है, 1% जो है वो ड्रूज वगैरह बाकी रिलीजन है। लेकिन मदाबा में एक्चुअली यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, लेकिन 10-12 हजार यहाँ पे क्रिश्चियंस है। तो 10-15% लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस है, विच इज अलॉट मोर कम्पेयर टू दी अदर पार्ट इन जॉर्डन। और कहीं आप जाओगे तो आपको 1-2% 3% क्रिश्चियन दिखेंगे, यहाँ पे 10-15% है। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे बिजेंटीन अम्पायर के मोजैक्स के लिए पॉपुलर है मदाबा। तो बिजेंटीन अम्पायर में मोस्टली कौन थे? क्रिश्चियन ही थे वो लोग एक्चुअली। तो अर्ली ब्रॉन्ज एज के कप्स वगैरह स्टोन्स इधर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, इस कबर्ड से मैं दिखाता हूँ आपको। ये चर्च पहले स्कूल भी था एक और चर्च भी था, अब सिर्फ एक चर्च है। ये बिस्किट सा पहले भी खाया था हमने अम्मान में, मेरे को तो ये टेस्टी लगता है। Wow, it's beautiful. It's beautiful and big. Yeah, very big and beautiful. Wow. This is John. John Park. Ah. Yeah.
This is the history here. Yeah. Around 3,000 years. Oh, really? Start from 3,000 years. Mm-hmm. Because down, there is a castle. Ah. Zantin castle, Moabit castle. Really? Then, Christian people here in Madaba. Mm. This church, now 1880, mm-hmm. to 200 years before the Jordan. Jordan is 100 years old. Yeah. This church before the Jordan, before the royal family. Oh. Yeah. Interesting. बहुत खूबसूरत है यार ये चर्च. पहले भी मैं काफ़ी चर्चेज में गया हूँ. टर्की में भी गया था, जॉर्जिया में भी गया था, अपने इंडिया में भी गया हूँ, यूएस में भी गया था, जर्मनी में भी गया था, पर ये चर्च अलग ही है. काफ़ी सुंदर है. Ten acropolis here in Jordan. Nine in Jerash, south, and one here in Madaba. Are there Christians in Jerash as well? There's a Christian in Jerash, yeah. Okay. This is the Moabit well. Okay. Wow. There's a water, it's around 2,000 years old. And there's a water inside. This well is 2,000 years old? 2,000. And there's a water inside, it's a fresh water. Really? Yeah. Even now? Yeah, till now. ये 2000 साल पुराना कुआ है और अभी तक इसमें फ्रेश वाटर है. We can drink this water? Yeah, I can. Now we'll see. It's a fresh water. I want to drink it. You want to drink? Yes. Come here. Try. It's a fresh water. Believe me, it's delicious. 2000 साल पुराने कुएं में से पानी ले रहा हूँ. आवाज कैसे गूंज रही है ना नीचे जब जा रहे. तो मैं पूरा निचोड़ बताता हूँ इस पूरी कहानी का. एक बार ये जो बोर्ड लगे हुए, ये जॉन द बैप्टिस्ट है. इसे प्रॉफिट माना जाता था. क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थी, लोग इसे फॉलो करते थे. और इसको अरेस्ट करवा दिया गया था. क्यों? क्योंकि जो हेरोड था द रोमन किंग, वो ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन उसको अपने भाई की वाइफ से प्यार हो गया था और बोला मैं इससे शादी करूंगा. तो उसके भाई की वाइफ भी उसे पसंद करती थी, लेकिन ये जॉन द बैप्टिस्ट है, ये बोला कि ये लॉ के खिलाफ है, ये चीज़ ठीक नहीं है. तो इसे अरेस्ट करवा दिया गया. हालांकि हेरोड खुद भी चाहता था कि जॉन द बैप्टिस्ट को मरवा दिया जाए, पर क्योंकि बहुत लोग उसे फॉलो करते तो वो डरता था ऐसा स्टेप उठाने से. लेकिन एक दिन हेरोड के बर्थडे पे उसकी बेटी डांस कर रही थी काफ़ी अच्छा, तो वो खुश हो गया. उसने उससे पूछा अपनी कोई ख्वाहिश बताओ, तो बोली मेरी एक ही ख्वाहिश है, आप जॉन द बैप्टिस्ट यानी कि इनका सिर मेरे को डिश में चाहिए, खाने में प्लेट में रख के लाओ. तो वो इस बात से मुकर नहीं पाया और उन्होंने फाइनली जॉन द बैप्टिस्ट को मरवा दिया और उनका जो सिर था वो कटवा के ऐसे प्लेट में रख के अपनी बेटी को दे दिया. फिर वो बेटी ये सिर लेके अपनी माँ के पास चली गई और उसका एक स्कल्पचर सा बना के इस चर्च में रखा हुआ है. तो भगवान से आपकी कोई ख्वाहिश हो तो इधर आते हैं, ये कैंडल जलाते हैं और इस मिट्टी में रख देते हैं. नीचे इस बॉक्स में कई बार गरीबों के लिए भी पैसे या कपड़े कुछ रख दिए जाते हैं गरीबों की मदद करने के लिए. और इधर खड़े होकर आप भगवान से कुछ मांग सकते हो. बेदुइन लोग होते हैं या फिर जो नोमेड लोग होते हैं उनका एक टेंट सा ही है. ऐसे लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं आप बहुत ही बैकवर्ड एरियाज में जाओगे तो. ये वो है कुंडी छोटा, कुछ चटनी वगैरह कूटने के लिए. हाँ, फॉर कॉफी. ये चटनी नहीं, आफ्टर यू रोस्ट द कॉफी आई थिंक यू डू. देन वी विल पुट इट हियर विद वाटर, विद दिस वन. Uh-huh. With water and fire, yeah. Then we'll put it in the small cup. Okay. This is what we say here in any visitor to my home, we'll use this Arabic coffee to say welcome. Arabic coffee की एक और खास बात है. आप मान लीजिए मेहमान हो और आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको Arabic coffee सर्व कर रहा हूँ, तो मेरे को यहीं पे खड़ा रहना है और आपको पिलाते रहना है जब तक आप यूँ नहीं कह दोगे कि बस मुझे और नहीं पीना. तो मैं उसे रिफिल करता रहूंगा यहीं खड़ा. जब आपने हाथ कर दिया, हाँ बस ये मेरा लास्ट कप है, तभी मैं यहाँ से हटके अगले आदमी के पास जाऊंगा. यहाँ पे पुराने रूम्स और टनल्स है एंशियंट टाइम्स के. तो इधर इन्होंने नीचे खोदने की कोशिश करी और थोड़ा इन्होंने खोदा भी, क्योंकि इधर ना मदाबा में बहुत ही कासल्स और फोर्ट्रेसेस नीचे दबे हुए. पता नहीं है, अभी तक इन्होंने रियलाइज नहीं करा, हो सकता है नीचे कोई कासल हो और भी किसी जगह हो. इधर उन्होंने थोड़े से खोदने की कोशिश करी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन ये डर है कि जो ऊपर चर्च है वो नीचे ना गिर जाए, तो इन्होंने आगे खुदाई नहीं करी. पर काफी इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब ऐसे ऐसे कोने देख के, ऐसे पत्थर देख के,
और उसके पीछे क्या छुपा हो सकता है, तो ये सोच के काफी इंटरेस्टिंग लगता है सारी चीजें। इन्होंने बिजली की फिटिंग सही कर रखी है इसका असल में। सनद हाउ ओल्ड आर यू? 10। सनद 10 साल का, 5th क्लास में पढ़ते हैं, और अभी ये मेरे को गाइड करने लग रहे हैं, बहुत समझदार होते हैं। वाओ, कैन वी रिंग दिस बेल? नो, फ्रॉम डम। आह, ओके। सुहाबे, अलहम्दुलिल्लाह। इसे नो स्ट्रेस होए। तो पहले आपको बोलो। इंडिया? इंडिया। वेलकम, वेलकम। थैंक यू। अरे बाप रे। वॉच? या। नो। केयरफुल। इतना चौड़ा मैं पूरा पूरा हूं ना, उतने ही रास्ते थे या फिर उससे कम ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे। दैट इज अ मॉस्क, राइट? दैट्स अ मॉस्क, राइट? मस्जिद भी इधर एक। हाउ मेनी मॉस्क आर देयर इन मदाबा? Many, many, many. More mosques than churches? More than 10, more, 20. I have 100. Here one, this one. Okay. The second one over there. 1, 4, 5, 6, 7. Here around this area, around 15, 25 one. तो यहाँ मदाबा में मस्जिद तो बहुत सारे हैं। 25 तो कह रहे इसी तरफ होंगे, शहर के उस तरफ पता नहीं कितने होंगे। टोटल चर्च यहाँ पे है लगभग 12। इधर इतने चर्चेज है किसी और सिटी में आपको ये भी देखने को नहीं मिलेंगे, जॉर्डन में इधर तो काफी सारे। जैसे अपने इंडिया में मॉन्यूमेंट्स पे नहीं लिख देते रेखा लव्स जॉन या कुछ भी, सोनू लव्स रानी, कई जॉन स्टाइल में लिख देते, सोनू मोनू रानी, अमित लव्स रेशमा, ऐसे इन्होंने भी दिल में थी। Sami Samir Rama Phil Urdan in Jordan. I love you till infinity. और ये जो लिखते हैं ना, ये वही होते हैं जिनके एक दो साल बाद ऐसी लड़ाई होती है घर वालों के कलेश होते हैं उनके। Love you, Tagreed. 15-8-2011 अगस्त की बात है, अभी तक ये अलग होली होंगे मेरे हिसाब से। ये कूड़ादान है और कूड़ेदान के साथ में पड़ी क्या है, ये हुक्के की पाइप है। यहाँ पे हुक्का बहुत पीते हैं अरब कंट्रीज में लोग। बिल्लियाँ भी आपको यहाँ बहुत देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक एनी अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री। पर ये थोड़ी डरपोक है यहाँ की बिल्लियाँ, टर्की जैसी नहीं है। मिस्टर आला हियर, वेलकम, मोस्ट फेमस मैन इन जॉर्डन, डोंट बिलीव मी, डू द अमल सलीब। यहाँ के फादर है चर्च के। कैन आई सी द शॉप? ओके, थैंक यू। ये काम दुकान है यहाँ पे किरियाने की। रियली? ये यहाँ पे 60 साल पुरानी दुकान है किरियाने की, कोई ऐसी आम दुकान नहीं है। और वो ये अपनी इधर है टॉफी चॉकलेट कैंडीज वगैरह जूसेस वगैरह ये सारी चीजें 1964 में खोली थी इन्होंने। ये एक और चर्च है और ये मदाबा का डाउनटाउन या फिर सिटी सेंटर आप कह सकते हो, इनका ओल्ड टाउन भी यहीं पे, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। इस रोड पे सारे बैंक हैं तो इसे बैंक स्ट्रीट बोलते हैं। बैंक ऑफ जॉर्डन, कायरो, रोमन बैंक। अनदर चर्च, एक और चर्च, एक और बैंक, उधर एक और चर्च है, हॉस्पिटल। या ट्रू, वेरी ट्रू। तो मदाबा में खूब सारे चर्चेज है, खूब सारे मस्जिद है, इधर चर्च है, इधर मस्जिद है, फिर चर्च, फिर मस्जिद। घासन भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये बोल रहे थे कि इतने चर्च मस्जिद बना रखे हैं, हमें स्कूल्स की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, इतने बनाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि आप रिलीजियस प्लेस है, आप जरूर हो बना सकते हो अपने गाँव में शहर में, पर हद से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो इनकी बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इनके जो बेटे हैं सनद, सनद का जो स्कूल है जिस चर्च में हम गए थे उसी चर्च में इसका स्कूल है, और मोस्टली उधर क्रिश्चियन ही पढ़ते हैं, पर 20-25% पॉपुलेशन उस स्कूल में मुस्लिम्स की भी है। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी कि मुस्लिम्स भी जो है वो चर्च में पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ 20-25% ही क्यों है, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जो इनका चर्च का स्कूल है इसकी फ़ीस है लगभग साल की 70-80 हज़ार रुपये, और जो सरकारी स्कूल है वो यहाँ पे फ्री जैसे, तो इसलिए मोस्टली बच्चे उनमें पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल्स में। इसके अलावा यहाँ पे अमेरिकन स्कूल्स भी है जिनकी फ़ीस होती है साल की 3-4 लाख से स्टार्टिंग, और मैक्सिमम 8 लाख 15 लाख ऐसे इतनी तक भी फीस के स्कूल्स यहाँ पे है। मैं यही चीज़ देख के कन्फ्यूज था कि ये जगह इतनी कल्चरली रिच है, मतलब अलग अलग रिलीजन से ऐसे रह रहे पीसफुली, और बहुत ही सुंदर हमने चर्च देखा, और हिस्टोरिकली काफ़ी रिच है जगह, पर उस हिसाब से इधर इतने टूरिस्ट नहीं है।
तो घसन ने मेरे को बताया कि मोस्टली बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पे अभी इतने टूरिस्ट नहीं आ रहे, बाकी जो आते भी वो मोस्टली अमेरिकन होते हैं जो इधर पिलग्रिमेज पर्पस के लिए आते हैं, सिर्फ अपने धार्मिक रीजंस की वजह से आते हैं। आम जो टूरिस्ट है जो जॉर्डन घूमने हैं ऐसे लोग इधर यूजुअली नहीं आते। म्यूजियम है सर, इज इट अ म्यूजियम? मैटर क्या, मैंने देखा है कौन बैठा है, फिर देखा स्टैचू है। मुझसे दोस्ती करोगी? ये कुछ हरे पत्ते से बोल रहे कि आदमियों के लिए अच्छे शायद टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते होंगे। एकदम ऐसे लग रहा है पता नहीं किसी मूवी में आ गया, ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है।